हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की गणित से पाठ 12 लाभ और हानि को पढ़ेंगे। लाभ यानी प्रॉफिट एंड हानि यानी लॉस। तो चलिए आज की पाठशाला शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आप एक दुकानदार हो, आप बाज़ार से सामान खरीदने जाते हो। तो बच्चों, आपने सामान को ख़रीदा और उस सामान को आपने फिर बेच दिया, तो या तो आपको फ़ायदा होगा या तो आपको नुकसान होगा। जिस कीमत पर आपने ख़रीदा, अगर उस कीमत से ज़्यादा आप बेचते हैं तो आपका फ़ायदा होता है, और जिस कीमत पर आपने ख़रीदा उससे कम कीमत पर बेचते हैं तो आपको नुकसान होता है। तो आइए हम समझते हैं। पहला है क्रय मूल्य। क्रय यानी जिस कीमत पर वस्तु खरीदी गई। मानते हैं आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, तो यह 100 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब उस वस्तु को आपने 125 रुपये में बेच दी, तो बच्चों यह विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है, विक्रय जिस पर वस्तु को बेचा जाता है। जब विक्रय मूल्य यानी जिस कीमत पर वस्तु को बेचा गया है यह ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो आप देख सकते हैं आपने 100 रुपये में ख़रीदा और 125 रुपये में बेचा, तो आपको फ़ायदा होगा। इसी फ़ायदा को लाभ के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब लाभ को निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य यानी जिस दाम पे बेचा गया वह ज़्यादा होता है तभी लाभ होगा, है ना। तो आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। तो 125 में से हमने 100 घटाया तो हमें मिल गया 25 रुपये हमारा लाभ। कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश हमें उस वस्तु को कम दाम में बेचना पड़ता है। तो बच्चों, आपने 100 रुपये में ख़रीदा और उसको 90 रुपये में बेचा, तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा, ठीक है, 10 रुपये का। तो यही आपका हानि है, नुकसान यानी हानि। तो बच्चों, हानि को निकालने के लिए चूँकि यहाँ पर क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया है और विक्रय मूल्य कम हो गया है, तो हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी, और क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा। अब आइए इस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हैं। बच्चों, यह हमारा अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है जिस कीमत पर आप वस्तु को खरीदते हैं, दूसरा है विक्रय मूल्य जिस कीमत पर आप वस्तु को बेचते हैं, तीसरा है लाभ यानी वस्तु को बेचने पर आपको फ़ायदा हुआ, हानि वस्तु को बेचने पर आपको नुकसान हुआ, ठीक है। आइए इसको हम हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्रय मूल्य है 6000 रुपये और विक्रय मूल्य है 6500। ज़्यादा क्या है? विक्रय मूल्य यानी जिस कीमत पर आपने बेचा वह ज़्यादा है। तो बच्चों, आपको लाभ होगा, ठीक है, यानी आपने ज़्यादा कीमत में बेचा तो आपको लाभ होगा। तो अब कितना लाभ होगा भाई? जिस कीमत पर आपने बेचा उस कीमत से जिस कीमत पर आपने ख़रीदा उस कीमत को घटा देंगे, तो 6500 में से 6000 आपने घटा दिया, तो आपको हो गया 500 रुपये लाभ। हानि वाला आपका कॉलम खाली रहेगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, क्रय मूल्य 4320 रुपये है, विक्रय मूल्य 4300। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4320 रुपये और 4300, बड़ा क्या है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य छोटा है। तो बच्चों, आपने ज़्यादा दाम में ख़रीदा, कम दाम में बेचा तो आपको हानि होगी,
अब यहाँ पर 4320 में से 4300 घटाएंगे, क्योंकि ज़्यादा यह है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, तो बच्चों आपको 20 रुपये की हानि होगी और आपका लाभ वाला कॉलम खाली होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों कि विक्रय मूल्य 2000 रुपया दिया है और चूंकि लाभ हो रहा है, इस 2000 में से आप लाभ को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 1750 रुपये। तो बच्चों ये 1750 में आपने वस्तु को ख़रीदा और 2000 रुपये में बेचा तो आपका लाभ हो गया 250 रुपये। अब यहाँ पर हानि दी हुई है, यानी आपको नुकसान हुआ है और आपने क्रय मूल्य देख रहे हैं, यहाँ पर हानि दी हुई है और क्रय मूल्य दिया है, यानी जिस कीमत पर आपने खरीदा, यानी 535 रुपये में आपने खरीदा और आपने जब उसको बेचा तो आपको 15 रुपये घाटा हो गया। तो बच्चों जब घाटा हो गया तो जाहिर सी बात है आपने कम कीमत पर उसको बेचा है, ठीक है। तो जब तब विक्रय मूल्य होगा 535 में से आप 15 को घटा देंगे तो आपको मिलेगा 520 रुपये, ठीक है। अब आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कमल ने एक टीवी 10000 रुपये में खरीदी, 2 साल बाद उसने वही टीवी रुपये 7000 में बेच दिया, बताओ उसे लाभ हुआ या हानि और कितनी। बच्चों यहाँ पर टीवी का क्रय मूल्य यानी जिस कीमत पर उसने खरीदा वह है 10000 रुपये और 2 साल बाद उसने टीवी को 7000 में बेचा। तो बच्चों इसने 10000 में ख़रीदा और 7000 में बेचा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा तो उसे हानि होगी, और कितनी हानि होगी इसके लिए जो ज़्यादा होगा उसमें से हम घटा देंगे। यहाँ बच्चों क्रय मूल्य है 10000 रुपये और विक्रय मूल्य है 7000, तो उसे हुआ हानि। चलिए अब इसे हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर टीवी का क्रय मूल्य 10000 रुपये, टीवी का विक्रय मूल्य 7000 रुपये, तो होगी हानि। जब हानि होगी तो क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे, 10000 में से आपने 7000 रुपये घटा दिया तो उसे 3000 रुपये का हानि हुआ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, राधा ने कान की मशीन रुपये 360 में बेची जिस पर उसे 60 रुपये का लाभ हुआ। तो बच्चों उसने यह कान की मशीन कितने रुपये में बेची, 360 रुपये में, और उसे 60 रुपये का लाभ हुआ, तो बताओ राधा ने कितने रुपये में कान की मशीन खरीदी थी। बच्चों यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है और आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो आइए इसको निकालते हैं। बच्चों यहाँ पर कान की मशीन का विक्रय मूल्य दिया है 360 रुपये और लाभ है 60 रुपये, अतः कान की मशीन का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ, तो आप 360 में से 60 रुपये को घटा देंगे तो आपको प्राप्त होगा 300 रुपये, यही आपका क्रय मूल्य है, ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4, एक दुकानदार ने एक दर्जन अंडे रुपये 60 में खरीदे, उसने एक अंडा 6 रुपये में बेचा तो एक दर्जन अंडे बेचने पर उसे लाभ हुआ या हानि। चलिए बच्चों इस प्रश्न को हम करते हैं। अभी आपने एक नियम के सवालों को हल किया था, तो एक नियम की सहायता लेते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों 12 अंडे का क्रय मूल्य हो गया 60 रुपये, जब आपको 12 का दिया है तो आप एक का निकाल लेंगे, एक अंडे का क्रय मूल्य 60/12, तो 12 एकम 12, 12 पचे 60 बराबर 5/1 या 5 रुपये, यानी एक अंडे का क्रय मूल्य आपको मिल गया 5 रुपये। उसने बेचा 6 रुपये में, कितने रुपये में बेचा, 6 रुपये में, तो हम लिखते हैं एक अंडे का विक्रय मूल्य रुपये, तो होगा तो 12 अंडे का विक्रय मूल्य 12
रुपये गुणे 6 रुपये यानी 72 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर क्रय मूल्य है 60 रुपये और विक्रय मूल्य है 72 रुपये। ज़्यादा क्या है? विक्रय मूल्य, यानी कम कीमत पर खरीद के आपने ज़्यादा कीमत पर बेचा तो आपको होगा लाभ। अब कितना लाभ होगा आप ये निकालेंगे विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य को घटा के, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, तो आपका हो जाएगा 72 ऋण 60 बराबर 12 रुपये, उसको लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, यानी एक अंडे पर उसका लाभ है 1 रुपये, तो 12 अंडे पर उसका लाभ है 12 रुपये। प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। एक आदमी ने ₹8,400 में सोफ़ा सेट खरीदा। बच्चों इसे सोफ़ा सेट कहते हैं। इसकी ढुलाई में ₹400 खर्च हुए। बच्चों इसको ले आने में भी ₹400 खर्च हुआ, यानी परिवहन खर्च इसका ₹400 हुआ। वह कितने रुपए में सोफ़ा सेट बेचे कि उसे ₹800 का लाभ हो। बच्चों जब आप कोई चीज़ खरीदते हो और उसे लाने ले जाने में जो किराया लगता है भाई, वह तो आप अपनी जेब से नहीं दोगे, तो उस परिवहन खर्च को भी आप उस वस्तु की कीमत में जोड़ देते हो। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पर सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य दिया है ₹8,400, परिवहन खर्च ₹400 हो गया और लाभ है ₹800। अतः विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन परिवहन खर्च धन लाभ। तो आप जोड़ेंगे 8,400 धन परिवहन खर्च है 400 और लाभ है 800, तो आपका कुल हो जाएगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ चलते हैं। सुनीता ने एक मोबाइल फ़ोन ₹6,000 में खरीदा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? ₹6,000। 2 महीने बाद उसने उसे बिना किसी लाभ व हानि के बेचा, अर्थात उसे ₹0, न तो फायदा हुआ न तो नुकसान हुआ। तो उस वस्तु का कीमत कितनी होगी? ₹6,000। ठीक है, तो आपका यह अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि लाभ और हानि के प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।